जेसन रॉय की आप बात कर लीजिए, जॉनी बेस्टो की आप बात कर लीजिए, स्ट्रेटेजी थी आज उन्होंने अपना स्वाभाविक खेल खेला है कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ अलग करने का प्रयास किया। हालांकि जॉनी बेस्टो कुछ दो तीन बार शामी के खिलाफ थोड़े लकी भी रहे कि अंदरूनी किनारे लगे पर विकेट नहीं गिरी और छठे ही ओवर में विराट को लाना पड़ा चहल को, और वो चहल को लाए थे जेसन रॉय के लिए कि उनको दे पाया गया कि चहल के खिलाफ उनको पहले भी दिक्कतें रही हैं या जब भी आप किसी भी फिरकी गेंदबाज की बात कर लीजिए। एक बार जब वो 5-6 ओवर निकल गए उसके बाद वो भली भांति खेले स्पिनर को भी, और जब अगर आपकी 160 रन की साझेदारी, मैं ये नहीं कहूंगा किसी भी एंगल से कि गेंदबाजी खराब हुई है, कि ऐसा नहीं देखा गया आपकी बिल्कुल हाफ वॉलियां गिरी हैं या ऑस्टम के बाहर कट चले गए या बुमराह ने या चहल ने हाफ ट्रैक कर डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत ही बढ़िया उम्दा बल्लेबाजी करी, पिच अच्छी है बल्लेबाजी के लिए, उसका और फायदा उठाया और अपनी क्लास दिखाई जॉनी बेस्टो ने और जेसन रॉय ने। अभी तो अगर आप देखें कि वो इनिंग्स कैसे गई थी तो आप वहां पे देखेंगे आप थोड़ा चौंक जाएंगे उसको देख के कि 21 और 35वें ओवर के बीच में आप देखिए सिर्फ 31 रन दिए भारत ने, 2 विकेटें भी ली वहां पे, पर ये इसलिए कि उस वक्त आप देख रहे थे उन्होंने कहा अरे भैया हमने तो ब्रेक लगा दी उनकी गाड़ी पे, पर वो सोच समझ के खेल रहे थे कि देखिए हमारे रन आ चुके हैं, ठीक है, तो अभी अगर हमारी विकेट गई है जरूरी ये है कि विकेट ना खोए, विकेट को पकड़े रखे, विकेट को पकड़े रखा जो रूट ने कि दो विकेट साथ गिर गए थे ना, वहाँ काम वो जो अभी स्क्रीन पे आया था पहला जो 10 ओवर था हमने बात की थी कि ऐसी बल्लेबाजी करने वाले हैं जहाँ थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहेंगे, नया बॉल लेके खेलेंगे, पर विकेट ना खोएंगे। उसके बाद फिर एक गलती भी हुई जो धोनी के साथ, अगर वो DRS की बात करें, जो हार्दिक पांड्या की बॉल थी पुल किया था, जैसन रॉय उनके ग्लव से बॉल लग के गई थी, जब धोनी का दिन खराब जा रहा था इसका मतलब फिर इंडियन टीम का दिन खराब जाएगा, धोनी वैसी गलती कभी करते नहीं, वो पकड़ लेते हैं, तो वहां चूक हुई और DRS लिया नहीं, 11वां ओवर था वो, और फिर आपको दिखाते हैं वो आंकड़े, फिर आपको दिखाते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर वो 8:30 पे चले गए, देखिए ऑलमोस्ट 9 रन है 11 अगले 15 ओवर में, 11 से 25 ओवर में, फिर बीच में 3.2 का रन रेट है, वो होना था विकेट गिरी, फिर बाद में 8:30 के बाद फिर आ गए, तो 8:30 और बीच में वो 5 से स्टार्ट किया 10 ओवर में, फिर 3:30 के पास बीच में तो वो विकेट गिरी, तो ये पूरा प्लानिंग के साथ बैटिंग हुई है, तहत के साथ, क्योंकि प्लेयर्स फॉर्म में है, छक्के चौके मारना जानते हैं, और ये इंग्लैंड की टीम 300 तो बनाती आ रही है, इनका अगर रिकॉर्ड देखिए 2015 के बाद वर्ल्ड कप के बाद 300 बनाना इनको आता है, कैसे खेलना चाहिए 300 के लिए वो भरी भांति पता है, और आज का दिन बहुत बड़ा दिन था उनके लिए, ये करना ही था, अदरवाइज ये गेम में होते ना, अभी बहुत अच्छा स्कोर बन गया, और पहले बल्लेबाजी करके नहीं इंग्लैंड ने 350 रन चेज भी बहुत बार किए। सर मैं आपको बता दूं, वैसे ये आपको बता दूं एक और आंकड़ा भी है कि वर्ल्ड कप में ये सिर्फ दूसरी टीम है वर्ल्ड कप के इतिहास में जिन्होंने 5 बारी 300 जड़े हैं एक ही वर्ल्ड कप में, तो इसके पहले 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप में 5 स्कोर जड़े थे, हमें पता है कि क्या हुआ था, उस साल ट्रॉफी उठाई थी उन्होंने अंधेरे में, याद अगर आपको अंधेरे में ट्रॉफी उठाई थी, समझ नहीं आ रहा था कहाँ है बंदा, किधर गया किधर गया, पर यहाँ अंधेरा नहीं होगा जो भी ट्रॉफी उठाएगा ना, क्योंकि इंग्लैंड में लॉर्ड्स में अंधेरा बहुत लेट होता है, बिल्कुल ही बारिश आंधी तूफान आ जाए तो अलग बात है, यहाँ जो भी ट्रॉफी उठाएगा अंधेरा नहीं होगा, और इंग्लैंड के लिए ये मैच जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आज ये मैच नहीं जीतेंगे तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है। आज नहीं होगा अंधेरा, आज तो जैसे 337 रन इन्होंने बनाए हैं, मतलब अपने गेंदबाजों को बहुत ही बढ़िया चांस दिया है इन्होंने, और ये जो मतलब आशु एक बार फिर मैं इनकी मतलब बल्लेबाजी हमने देख ली क्या है कि ऑब्वियसली जो इनका हुनर है जैसे खेलते हैं ये लोग सब जानते हैं, पर आज जैसे पेस करी इन्होंने अपनी इनिंग्स और जो मैच्योरिटी दिखाई कि देखो अगर आ गए हैं तो ऐसा मतलब नहीं कि 400 के लिए जाओ, एक टाइम पे लग रहा था कि इन्होंने सोच लिया मन में कि सलामी साझेदारी थी 160 की पर हम 300 के आसपास के लिए जाएंगे, बोनस लग गया तो लग गया। नहीं पर देखिए उसके लिए आपके विकेट से हैंड्स होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, कि पहले 10 ओवर में 47 रन बनाए, ऐसा नहीं भागे कि 10 ओवर में 70-80 रन बनाने, उसके बाद बीच के जो 15 ओवर है उसमें 133 रन जी हमने देखा बने, जैसे ही 2 विकेट गिरी उसके बाद वो जो 31 से 40 जो हम बात कर रहे हैं उसमें 33 रन थे 9 ओवर तक, वो आखिरी 40वें ओवर में रन बने 12-14, नहीं तो 10 ओवर में टोटल रन 30-35 रन की आप बात कर रहे हैं, पर ये देखिए ये खेल तो आपको ऐसे ही चलाना पड़ेगा, अगर आप खेल को खुद नहीं चलाएंगे और खासतौर पर जब आपकी 160 रन की साझेदारी होगी तो आप ड्राइविंग सीट में है तो फिर पूरे मजे लीजिए, तो वो अच्छी चीज जो हुई है कि 2 विकेट गिरे उसके बाद उन्होंने थोड़ा समय लिया, आपको पता है आपके पास नीचे बटलर हैं क्रिस वोक्स बल्लेबाजी करते हैं, बटलर 8 बॉल में 20 रन बना के गए जो बहुत इंपॉर्टेंट 20 रन है, बिल्कुल भारत के नजरिए से अगर आप देखें तो मैं तो कहूंगा 350 बनते और 15 रन फालतू बनते अगर बटलर और 3-4-5 गेंद खेलते, क्योंकि उन्होंने तो बड़े हिट लगाने ही थे, तो इंग्लैंड की ये बल्लेबाजी जो है वर्ल्ड कप से पहले विश्व कप से पहले सब बात करें कि दमखम ये रखती है, सिर्फ एक चूक उनकी हो गई जो श्रीलंका के खिलाफ 2 पॉइंट उनके जो उन्होंने लूज किए जो 235 रन नहीं बने, इसलिए ये आज इस दहलीज पे खड़े हैं, नहीं तो टीम तो बहुत अच्छी है, सबको सब चाहते थे क्रिकेट प्रेमी की इंग्लैंड की टीम जिस तरीके की सेमीफाइनल खेले, तो अब तो प्लेटफॉर्म इनका सेट है,
सिर्फ ये है कि रोहित शर्मा विराट कोहली बीच में खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आज यहाँ से जीते तो अगला मैच न्यूजीलैंड के लिए इंग्लैंड को हराना बहुत मुश्किल होगा। करेक्ट, मैं करना चाहूंगा, सॉरी बेस्टो और रॉय की बात करें, जिस तरह से स्पिन को खेला और कुलदीप चहल की बात करें, इतने रन कभी जाते नहीं इनके खिलाफ, 160 रन गए हैं उनके 20 ओवर में, क्योंकि स्पिन खेलना सीख गए लोग। इसलिए मैंने शुरू में शो में बात की थी कि जिस तरह से स्पिनर खेल रहे हैं, रॉय की बात करें या बेस्टो की बात करें, स्पिनर्स बहुत लाजवाब तरीके से खेल रहे हैं और सामने शॉट्स लगा रहे हैं। आज तो स्वीप भी मारी बेस्टो की बात करें, क्योंकि उनको पता है छोटा बाउंड्री कहाँ है, जी छोटी बाउंड्री को टारगेट किया, तो ये वहाँ होम ग्राउंड है, वहाँ खेलते उनको पता है किस एंगल पे शॉट मारनी है। और तो काफी अंतर था दोनों बाउंड्रीज में, एक तरफ बहुत ही शॉर्ट बाउंड्री थी मेरे ख्याल से 55-56 के आसपास, और दूसरी तरफ 75-80 के आसपास थी। देखिए जॉनी बेस्टो तो आईपीएल में भी स्पिन अच्छी खेल के गए हैं, जेसन रॉय हमेशा खासतौर पर लेग स्पिनर के खिलाफ ना दिक्कतें उनको होती हैं, आज भी चहल ने उन्हें थोड़ा दिक्कत दी, पर पहले 4-5 ओवर आपने थोड़े खेल लिए, सेट हो गए, विकेट में इतना घुमाव नहीं था, और जो शॉट्स लगाए हैं ना सामने काफी अच्छे शॉट्स लगाए हैं। अगर आप जॉनी बेस्टो की बात करें, जेसन रॉय की बात करें, फास्ट बॉलर तो हमने देखा ही कि सामने मार दे, स्पिनर को भी सामने खेले, बीच बीच में एक दो चहल ने बाहर धीरे डाली तो चांस लिया, पर चीजें उनके लिए अच्छी होती चली गई। और 160 रन की साझेदारी कोई छोटी बात नहीं है, उसके लिए आप मतलब अगर आपको 350-350 बनाने हैं तो ओपनिंग साझेदारी या नंबर तीन जो हैं ऊपर के जो तीन हैं उनको तो 150-250 रन बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, और जिस चीज की जरूरत थी इंग्लैंड की टीम को वो उन्होंने करके दिखाया।